आज मैं आपको बताती हूँ कि मल्टीग्रेन आटा किस तरह से बनाया जाता है, उसमें कितना प्रोपोर्शन किसी चीज़ का मिलाया जाता है और क्या क्या उसमें हमको ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप नहीं करना है, बिकॉज़ अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और आपका जो प्रोपोर्शन होगा, रेशियो होगा मटीरियल का, वो अलग हो जाएगा और आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे जो आपको चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं ऐड करूँगी ये बाजरा। ये मुझे बाजरा ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, मैं बाजरा ले रही हूँ 100 ग्राम। इसके लिए मैंने ये बाजरा पहले से धूप में सुखा के रखा हुआ है। और जो बाजरा होता है वो फुल ऑफ कैल्शियम होता है, कार्बोनेट्स होते हैं, पोटेशियम होता है और ये हमारे माइंड के लिए बहुत अच्छा होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है और कैल्शियम से भरपूर होता है। अगर हम एक रोटी रोज़ बाजरे की खाते हैं तो हमारी लाइफ में कभी भी हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं आ सकती है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारा ये है बाजरा, मैंने आपको बता दिया है, ये आपको लेना है 100 ग्राम। सेकंड थिंग है आपका अलसी। ये अलसी है, देख सकते हैं, ये अलसी मैंने ली है। अलसी का क्या रोल होता है, ये भी फुल ऑफ कैल्शियम होती है, फुल ऑफ आयरन होती है और ये वेट लॉस करने में रामबाण इलाज होता है। अगर आप इसका नॉर्मल पाउडर बना के भी 1 चम्मच गर्म पानी के साथ रोज़ सुबह लेते हैं तो भी आपका वेट कम होगा। और ये खाने में इतनी टेस्टी होती है और इतनी हेल्दी होती है कि आपकी रोटी का टेस्ट डबल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये भी मुझे 100 ग्राम लेनी है और इसके बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए हैं। थर्ड जो है वो मुझे लेना है मक्का। ये है मेरा मक्का, ये मक्का मैंने लिया है। इसका क्या काम होता है दोस्तों, जो मक्का होता है वो ब्रेन के लिए इतना अच्छा होता है कि हमें अपने बच्चों को मक्का की रोटी ज़रूर खिलानी चाहिए, क्योंकि जो मक्का होता है वो फुल ऑफ कार्बोनेट्स और फुल ऑफ कैल्शियम होता है, आयरन होता है, मल्टीविटामिन्स होता है। इसमें इतने सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं कि शायद मैं आपको गिनवा भी नहीं सकती हूँ। तो मक्का के फ़ायदे आपको पता चले गए हैं कि मक्का के कितने सारे फ़ायदे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मक्का का जो प्रपोर्शन आपको इसमें लेना है वो भी आपको 100 ग्राम ऐड करना है। इसके बाद जो है मेरा फोर्थ जो कंपोनेंट आता है वो आता है सोयाबीन। ये है दोस्तों सोयाबीन, आप इसको देख सकते हैं, ये सोयाबीन ऐसी कुछ होती है। फिर इसमें सोयाबीन में क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। ये स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छी होती है। स्किन की किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो वो सारी दूर हो जाती है, क्योंकि ये इसको ठंडा माना जाता है कि स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये ठंडी होती है। और फ्रेंड्स, आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि जिनको थायराइड है या गठिया बाय है वो थोड़ा सा इसको कम ऐड करें। और दो फ्रेंड्स, ये जो आटा है ये लेडीज़ और जेंट्स कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, किसी भी प्रॉब्लम में आपको ये बिल्कुल नुकसान देने वाला नहीं है। अगर डायबिटीज़ के आप पेशेंट हैं तो आप इसको तब भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो फोर्थ है वो है मेरी सोयाबीन, और सोयाबीन को भी आपको वही 100 ग्राम लेना है। इसके बाद जो है मेरा आता है, इसके बाद मेरा आता है जौ। दोस्तों, जौ भी आपको 100 ग्राम लेना है। ये किडनी के लिए, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे किसी भी बॉडी पार्ट के लिए जौ इतना अच्छा होता है कि आप इसका यूज़ कभी भी कर सकते हैं। किसी भी बॉडी पार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको बार बार यूरिन की प्रॉब्लम है कि आपको रात को अच्छी नींद नहीं आती है या फिर आपको बार बार यूरिन आता है तो उसमें भी आप इसको खा सकते हैं आटे में मिक्स करके, तो वो प्रॉब्लम आपकी बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरे 1, 2, 3, 4, 5। इसके साथ मुझे क्या ऐड करना है, 2 kg मेरे को गेहूं ऐड करना है, जिसको हम वीट बोलते हैं। तो दोस्तों, वीट के बिना तो हमारा हिंदुस्तान बिल्कुल खाली खाली है, क्योंकि हम रोज रोज गेहूं की रोटी खाते हैं। उसमें कार्बोनेट्स होते हैं, फैट होता है, फैट बहुत लो कैलोरी में होता है, लेकिन हमने जब ये सब चीज़ें उसके साथ मिक्स कर ली है तो हमारा जो गेहूं में जो फैट होता है उसका लेवल बिल्कुल कम हो जाता है और वो हमें बेनिफिट्स देने लगता है इन सबके साथ मिक्स होके। तो दोस्तों, एक और ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप इस आटे को पिसवाने के लिए जाएँ तो आप अपनी जो चक्की है उनसे बोलें कि आप इस आटे को मोटा पीसें। अगर ये आटा मोटा पीसेगा तो इसमें पानी की जो मात्रा है वो ज़्यादा लगेगी। ऐसा हो सकता है कि आपको खाने में थोड़ा सा ये लगे कि मोटी मोटी सी रोड़ी रोटी है, लेकिन 1-2 दिन बाद आपको इसकी हैबिट हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको पतला पिसवाएंगे तो आपको इसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, आपको इसको थोड़ा दरदरा मोटा ही पिसवाना है, इससे आपको इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स,
ये चीज़ मैं आपको समझा दूँ कि इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसमें सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी है। और फ्रेंड्स इसका क्या है कि इन रोटी का जो टेस्ट है वो तो आप बस पूछो ही मत, बिल्कुल लाजवाब है। अगर इस एक बार आप ये मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाते हैं तो आप किसी भी रोटी को भूल जाएंगे। देखो मल्टीग्रेन आटा हमें मार्केट से बहुत इजीली मिल जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो उसमें चीज़ बाहर इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं वही अंदर भी हैं। तो मैं कहती हूँ कि आप अपने हाथों से खुद से खरीदिए और खुद से पिसवा कर इसको खाइए। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू एंड बाय बाय।